दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। कल के दिन मतलब 9 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पे अपना लिया। दोस्तों मैंने राजभाषा से संबंधित, राजभाषा हिंदी से संबंधित अपने YouTube चैनल के राजभाषा प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड की हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू में या फिर कोई भी अगर हिंदी संबंधित रिटन एग्ज़ाम भी रहता है राजभाषा से संबंधित, तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिएगा दोस्तों, मेरा इंटरव्यू था 14 जनवरी 2021 को राजभाषा का, राजभाषा अधिकारी का नाबार्ड में। तो नाबार्ड के चेयरमैन रजुलू चिंताला सर ने मुझसे क्वेश्चन आस्क किया कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, क्या इंडिया की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो देखिएगा, मैं इन ब्रीफ आपको बताना चाहूँगा कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए ऑथराइज की जाती है। जितने भी आपके एडसेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस इनलिस्टेड हैं, 22 लैंग्वेजेस, इनिशियली ये 14 लैंग्वेजेस थे, तो ये सभी के सभी एक राष्ट्रभाषा का दर्जा आप दे सकते हैं, लेकिन उस रीजनल के लिए। मतलब कंट्री वाइड भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो सभी राजभाषा के तौर पे वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर आप ओडिया की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वहाँ पे ओडिया राजभाषा के तौर पे है। अपने मध्य प्रदेश में हिंदी है, इसी तरह से तमिलनाडु में तमिल है, ये सभी राजभाषाएँ हैं। तो कई बार अगर हम राष्ट्रवादी विचारधारा या नेशनलिज्म को आगे ला के बोलते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो ये गलत है। हमारा संविधान या फिर भारतीय संविधान राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं मानता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, राष्ट्रभाषा या राजभाषा अलग हो सकती है। लाइक अगर हमारे यहाँ इंडिया में अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो यहाँ अंग्रेजी का बोलबाला है। इसी तरह से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे लाइक आप देखेंगे फ्रेंच को वहाँ बोलबाला है, जिस एरिया में फ्रांस ने राज किया, तो वहाँ कुछ कंट्रीज़ की राजभाषा आप बोल सकते हैं फ्रेंच है। तो मतलब राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान एक कंट्री है और वहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन कामकाज पूरा उर्दू में हो रहा है, तो राजभाषा उनकी उर्दू हो जाएगी। और जो लोग अगर सब बहुसंख्यक लोग बोल रहे हैं हिंदी, तो उनकी राष्ट्रभाषा हिंदी कहला जा सकती है। लेकिन ये काफ़ी डिबेटेबल बात है, मुद्दा है। इसीलिए आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, जो मैंने YouTube में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अगेन, इफ़ आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन पब्लिक ऐप, देन यू मस्ट हैव टू विजिट द लिंक यू आर सीइंग हियर, डिजिटल सॉफ्टवेयर। दोस्तों अपडेट बने रहिएगा, धन्यवाद।